हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं आप सबके सामने एक बढ़िया वर्क फ्रॉम होम जॉब अपडेट के साथ, जिसमें सैलरी आपको डॉलर्स में पे कर रहे हैं। बहुत ही शानदार सैलरी अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में। जो जॉब अपडेट आई है वो है फ्रेश प्रिंस की तरफ से। तो यहाँ पर वो सारे कैंडिडेट्स ज़रूर अप्लाई कर देना जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे ऐसी जॉब अपडेट के लिए, जहाँ पर लैपटॉप फ्री हो, जो मतलब लैपटॉप कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाए, प्लस वाईफाई का रीइंबर्समेंट मिले, वाईफाई का पैसा कंपनी ही प्रोवाइड करे। तो अगर आप उनमें से हैं जो इस टाइप की जॉब देख रहे थे जहाँ पर लैपटॉप फ्री मिले कंपनी की तरफ से, आप अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज़ यहाँ पर कंपनी आपको फ्री लैपटॉप देगी प्लस वाईफाई का पैसा भी देगी। दूसरा, उन लोगों के लिए ये जॉब है जो सेल्स में नहीं करना चाहते, बिकॉज सेल्स में हो सकता है कि वो उनको इंटरेस्ट ना हो या उनको नए लोगों से इंटरेक्ट करने में डर लगता हो, नर्वसनेस होती हो, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये अपना अपना चॉइस है। कुछ लोगों की कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी होती है, टॉकिंग स्टाइल इतना अच्छा होता है कि वो सेल्स में भी काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं, एंड बाकी कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये अपना पर्सनल चॉइस है। तो यहाँ पर ये जो जॉब है ये कोई सेल्स का जॉब नहीं है, कोई भी टारगेट्स का जॉब नहीं है। बैठे बैठे आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिल रही है बिना सेल्स किए, बिना टारगेट्स के। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिएगा। प्लस ये सभी लोगों के लिए है, चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप हाउसवाइफ हैं, अपना करियर स्टार्ट करना चाहती हैं, तब भी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट फॉर्म फिल करने से पहले हम डिटेल में समझेंगे जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये जो कंपनी है फ्रेश प्रिंस, ये अपने कैंडिडेट में क्या देख रही हैं, प्लस यहाँ पर किस टाइप से आपको रिज्यूम बनाना है सो दैट आपका रिज्यूम 100% शॉर्टलिस्ट हो जाए। बिकॉज रिज्यूम कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फर्स्ट स्टेप को चढ़ने में, राइट? एक स्टेप आगे निकलने में या एक सीढ़ी चढ़ने में रिज्यूम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो भी हम समझेंगे। चौथा, फॉर्म कैसे फिल करना है। कुछ फॉर्म में क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आप फंस सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या करना है उसमें, क्या फिल करना है, क्या लिखना है, ठीक है? वीडियो को में बने रहिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यूज़फुल लगी हो या लास्ट में लगे देखिएगा पहले, अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप वीडियो को भी लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है बिकॉज़ ये बहुत ही नया चैनल है, बट यहाँ पर आपको कोई भी जॉब अपडेट फेक नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आंख बंद करके कमेंट डाल देते हैं फेक जॉब अपडेट्स मत डालो। ये हम जानते हैं, हमारी टीम जानती है कि कितनी मेहनत लगती है आपके लिए जेन्युइन जॉब अपडेट्स ढूंढ के लाने में। तो प्लीज़ जब तक आप वेरीफाई ना कर लें तब तक आप बिल्कुल भी कमेंट मत डालिएगा। इससे क्या होता है, बाकियों को इफ़ेक्ट पड़ता है। लास्ट में एज अ स्मॉल टिप मैं आपको बता दूंगी, कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये जेन्युइन है या नहीं है। मैं आपको बताऊंगी आप कैसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं, कोरा की हेल्प से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, बाकी सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्लास डोर्स हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रेश प्रिंस या कोई भी कंपनी है वो फेक है या रियल है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप गूगल करें, उसके बाद आप बोलिएगा तो फिर जेन्युइन लगता है। दूसरा, अगेन जस्ट अ रिमाइंडर, प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में समझेंगे सारी चीज़ें। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंचेंगे लिंक्डइन पर। ये जो जॉब प्रोफाइल आई है ये लिंक्डइन पर आई है। जॉब में जाने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं भी आप ले लीजिए, बाकी प्लेटफॉर्म्स की मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ, बट लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कभी भी फेक जॉब अपडेट्स नहीं मिलेंगी। तो अगर कोई जॉब ऐसा है जिसका अपडेट लिंक्डइन पर आ रहा है तो वो फेक नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जानने का, समझने का। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ध्यान से कोई भी जॉब, आई नो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कुछ भी बस व्यूज़ बढ़ाने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए कुछ भी डाल देते हैं, बट सारे चैनल को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो ऐसे, मतलब सेम बकेट में नहीं डाल सकते हो आप, राइट? तो अब हम आ जाते हैं वापस जॉब की तरफ, बहुत सारा ज्ञान हो चुका है। फ्रेश प्रिंस की तरफ से आई है सेल्स टिकट
ट्राई एज की जॉब। अभी सेल्स वर्ड पे मत जाना, आप जॉब डिटेल समझिए पहले। सेल्स का जॉब बिल्कुल नहीं है, ये जॉब आई है, अपडेट हुआ है 17 घंटे पहले ही, 17 आवर्स पहले ही। काफ़ी लोगों ने, मतलब ज़्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ 129 लोगों ने अप्लाई किया है। तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करिएगा, जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतने आपके हायर चांसेस होंगे इस दर शॉर्ट लिस्ट होने के। एंड एटलीस्ट आपका रिज्यूम तो देखा जाएगा ना, फिर बाकी का डिपेंड करेगा आपके रिज्यूम पर कि वो आपका रिक्रूटर शॉर्टलिस्ट करता है या नहीं। तो प्लीज़ मेक श्योर, देर मत करिएगा, बहुत अच्छी जॉब अपडेट है, बहुत अच्छी है। डिटेल में समझेंगे डिस्क्रिप्शन क्या है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। ऑल्दो आपको इंग्लिश में बात नहीं करनी है, कहीं भी कॉलिंग नहीं करनी है, बट आपके जो कलीग्स होंगे, आपको ये डॉलर में पे कर रहे हैं, तो आपके जो कलीग्स होंगे उनको तो आपसे, आपको इंग्लिश में ही बात करनी होगी, बिकॉज़ ये US की कंपनी है। तो US की कंपनी है तो हर तरीके का एम्प्लॉई होगा उधर, तो बेटर होगा एक कॉमन लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उनको भी हिंदी आए। तो एक कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, तो उसमें बात करना आपका आना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए, गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आना होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन एक्सेलेंट गूगल शीट्स। एक्सेलेंट गूगल शीट्स आपका आना बहुत ज़रूरी है, ब्राउनी पॉइंट की तरह प्रेफरेंस है या फिर प्लस पॉइंट होगा आपके लिए अगर आपको गूगल शीट एंड एक्सेल आता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आप गूगल शीट्स 3-4 दिन में भी सीख सकते हैं, राइट? सीखने को तो आप 2 दिन में भी सीख सकते हैं। तो अगर आपको गूगल शीट्स के बारे में सीखना है, एक्सेल एंड गूगल शीट ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपने गूगल शीट सीख लिया तो एक्सेल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, गूगल शीट में बस कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, बाकी वो पूरा सेम होता है। एंड कुछ एडवांटेजेस हैं क्यों ये जो कंपनीज होती हैं ये गूगल शीट्स का यूज़ करती हैं इंस्टेड ऑफ एक्सेल। तो इसका एक पूरा डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पर लिखा है गूगल शीट्स ट्यूटोरियल इन हिंदी, तो वहाँ पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जो भी 3-4 पार्ट्स डाले हैं वो आप गो थ्रू कर सकते हैं, वो बेसिक्स है। एडवांस के, एडवांस जो गूगल शीट्स है वो अभी होल्ड पर रख दिया गया है, लेकिन वो कुछ दिन में रिज्यूम होगा। तो अगर आप बेसिक सीखेंगे बेटर होगा आपके लिए, थोड़ा आइडिया हो जाएगा, बाकी आप जब यहाँ पर ऑनबोर्ड हो जाएंगे तो आप धीरे धीरे बाकी चीज़ें भी सीख जाएंगे, क्योंकि ये आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बात करते हैं पर्सनल एट्रीब्यूट का, तो प्रो एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, जो भी कैंडिडेट है एक्टिव होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज कर लिया कल रह गए, मतलब आप डिले मत करिएगा किसी भी काम में, जो भी आपके टास्क होते हैं। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब जो भी कैंडिडेट है वो एम्बिशियस होना चाहिए, ओपन टू चेंज, लर्निंग के लिए, मतलब हमेशा नई चीज़ सीखने के लिए रेडी होना ज़रूरी है आपके लिए। काम अंडर प्रेशर, सो अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो कैसे काम रहना है, हड़बड़ाना नहीं है, ऑल दीज थिंग्स ये नॉर्मल है। तो ये चीज़ें आप अपने रेज्यूम में डाल सकते हैं, राइट? कि मैं आई एम अ प्रो एक्टिव पर्सन लाइक दिस, कंसिस्टेंट हूँ, काम अंडर प्रेशर, आई कैन हैंडल एनी टाइप ऑफ प्रेशर, ऑल दीज थिंग्स। आप ये रेज्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व करिएगा। उस सैलरी पर हम बाद में आएंगे, बात करेंगे डिस्क्रिप्शन, रोल क्या रहने वाला है आपका। एज अ मेंबर ऑफ आर सेल्स टीम यू आर गोइंग टू हैव वाइड रेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड गोल। अभी ट्राई एज का काम क्या होता है, जिस पोस्ट पर जॉब आई है, जिस प्रोफाइल पर जॉब आई है, टिकट ट्राई एज, सो सेल्स टिकट ट्राई एज मतलब आप पहले पर्सन होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जो कोई कंप्लेन रेज करेंगे, कोई उन्हें डाउट होगा तो टिकट रेज करते हैं, राइट? तो आपको उन टिकट्स को, जो भी डिज़ायर्ड पर्सन है जो उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे, आपको उनको इन द सेंस हायर असाइन करना है कि ये इस टिकट पर ये कंप्लेन है, ये आपके आपसे रिलेटेड है, आप इसको सॉल्व करेंगे। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग टिकट्स दैट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। अगर मान लीजिए किसी कस्टमर ने टिकट रेज किया, तो आप उस टिकट को जल्दी से असाइन करेंगे किसी और एम्प्लॉय को, डिज़ायर्ड या कंसर्न्ड पर्सन को, जिससे कि वो उस कस्टमर को कॉल करें एंड उसके जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, उसको रिजॉल्व करें। तो ये जो आप मीडिएटर का काम कर रहे हो ना, ये आपका काम है कि कहीं से किसी ने टिकट रेज किया, आपने वो टिकट रीअसाइन कर दिया कि भाई इस टिकट को ये सॉल्व करेगा, इस टिकट को ये एम्प्लॉय सॉल्व करेगा, ये काम आपका रहने वाला है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा टिकट, अगर कोई ऐसा टिकट है जिसको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है, अर्जेंसी है, तो उस टिकट को सबसे प्रायोरिटाइज करके सबसे पहले आपको असाइन करना पड़ेगा। यू विल बी क्लीनिंग आउट ऑल द जंक एंड ऑटोमेटेड ईमेल्स, जो भी इनके ऑफिशियल ईमेल आईडीज में जो भी ऑटोमेटेड ईमेल्स आते हैं, जंक ईमेल्स आते हैं, स्पैम्स में आते हैं, उनको आपको क्लीन करते रहना पड़ेगा। मेंटेनिंग द प्रोफेशनलिज्म एंड ऑलवेज गोइंग द एक्स्ट्रा माइल फॉर द टीम।
एज अ टीम काम करेंगे तो टीम वर्क भी होना चाहिए आपके अंदर। तो ये नॉर्मल सा काम है, सेल्स का काम बिल्कुल नहीं है। सेल्स क्यों लिखा है, जो सेल्स से जो टिकट रेज हो रहे हैं या इनके जो कस्टमर टिकट रेज कर रहे हैं उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करना आपका काम नहीं है, आपको सिर्फ असाइन करना है किसी और को जो इनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। वर्क फ्रॉम होम रोल है, देखिए लिखा हुआ है दिस इज़ अ वर्क फ्रॉम होम रोल। आवर्स आर मंडे टू फ्राइडे, 5 दिन काम करना है, 2 डेज़ ऑफ है। आप अपना टाइम स्लॉट चूज़ कर सकते हैं, आप सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक चूज़ कर सकते हैं वर्किंग आवर्स, या फिर यू कैन इवन गो विद 12 PM टू 8 PM। दोपहर में 12 बजे से शाम को 8 बजे तक का टाइम स्लॉट भी आप ले सकते हैं। अभी देखिए बेनिफिट्स क्या क्या हैं। कॉम्पिटिटिव सैलरी है $400 रुपीज़ पर मंथ, 400 को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो समथिंग अराउंड 32 to 33,000 के बीच में आता है। दूसरा, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है, इसके साथ साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल रहा है, मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी ग्रोथ भी है इस कंपनी में, वर्किंग इन अ ग्रेट कल्चर, कल्चर भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, सपोर्टिंग मिलेगा। लास्ट में इन्होंने लिखा है एट द एंड ऑफ द डे वी आर कॉन्फिडेंट दैट यू विल लव दिस रोल बिकॉज वी विल ट्रेन यू। ये आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, आपके गोल सेट करेंगे, राइट, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग रिजल्ट्स, आपको रिजल्ट्स ड्राइव करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझा देंगे, सिखा देंगे। आई नो बहुत अजीब लग रहा होगा या बहुत नया लग रहा होगा, बट डोंट वरी, डरना नहीं है, अप्लाई कर देना है, बाकी ट्रेनिंग तो आपको मिलेगी तो आप यूज़ टू हो जाएंगे। तो यही था आज का जॉब अपडेट। तो प्लीज़ मेक श्योर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई करिएगा। अप्लाई कैसे करना है, उससे पहले मैं रिज्यूम का बता दूं। मैंने आपको बताया ना कि ये सारी आपकी जो स्किल्स हैं ये आपको ज़रूर ऐड करना है। दूसरा, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कभी कहीं आपने कस्टमर केयर का जॉब किया है तो आप वो एक्सपीरियंस भी डाल दीजिएगा, उससे आपको इनको आइडिया भी मिलेगा कि आपके अंदर गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, कस्टमर सेंट्रिक हैं आप, पॉजिटिव एटीट्यूड और ये सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है ये ज़रूर डालना है, अच्छा होना भी चाहिए, राइट, कुछ भी फेक नहीं डालना, अदरवाइज रेज्यूम तो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, बट अगर यहाँ पर इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू के टाइम आप पकड़े जाएंगे और आपकी पूरा मेहनत प्लस टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो अगर नहीं है इंग्लिश, प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या पूछते हैं, जनरल क्वेश्चन पूछते हैं ना, इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ और कुछ जनरल क्वेश्चन, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना सीख जाइए, अभी भी टाइम है। इसके बाद अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल कर आएगा, ठीक है। सेम चीज़ इधर भी लिखी हुई है, कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स एंड ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। नीचे आपको सबसे नीचे फॉर्म दिखेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, अपना रिज्यूम डाल देना है। अभी ये क्वेश्चंस की बारी आती है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगर आप फ्रेश प्रिंट कंपनी में काम कर रहे हो तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आपका ग्रोथ हो तब वहीं आप देखना चाहेंगे ना। तो ये जो बॉक्सेस में आंसर्स आपको लिखने हैं ना, इनको बहुत अच्छे से एंड सिंसेयरली लिखिएगा। अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है या आप चाहते हैं हम आपके लिए लिखें, तो हमको पहले थोड़ा सा जानना पड़ेगा आपके बारे में कि आप फ्रेशर हैं या आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, उसके बाद हम आपको एक आइडिया दे पाएंगे कि आपको लिखना कैसे है, या फिर हम आपको खुद लिखकर आपको इंस्टाग्राम पे कमेंट मैसेज कर देंगे। बट उसके लिए आपको YouTube पर कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा दैट यू नीड इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, आपको हेल्प की ज़रूरत है क्वेश्चन सॉल्व करने में, हमारी टीम हेल्प करती है। आप पुरानी वीडियोस उठाकर देख लीजिए, उनके कमेंट सेक्शन देख लीजिए, कुछ लोगों को कवर लेटर चाहिए था तो हमने कवर लेटर बना के दिया था। तो जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। द थिंग इज़ आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, अगर आप जैसे ही YouTube पर कमेंट करते हैं, जैसे ही आपके पास एक मैसेज आता है कि आप इंस्टा पे पिंग करिए, तो विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट आपको इंस्टा पे पिंग करना है, राइट, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, ऐसा नहीं है कि सेकेंड्स में ही मिनट्स में ही पिंग करेंगे आप। जैसे ही रिप्लाई आता है, जब रिप्लाई देखिए एक दिन में या एक दिन के अंदर अंदर पिंग कर दीजिएगा, क्योंकि ये जॉब अपडेट मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ, ये जॉब अपडेट, ये जो एप्लीकेशंस हैं बहुत जल्दी क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा प्रोफाइल है, प्लस कुछ ज़्यादा खास इन्होंने मांगा नहीं है। हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने एज सच कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, तो अगर आप ग्रेजुएटेड हैं, ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रखा है, आप 100% श्योर हूँ मैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने 12th पास किया है तो आप ट्राई कर सकते हो, राइट, आई कैन नॉट अश्योर यू कि आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो ऐसा सच इन्होंने मेंशन तो नहीं किया है, तो हो सकता है
आप सिलेक्ट हो जाएं, अदरवाइज नहीं होते तो कोई बात नहीं, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर मोस्ट एडवांस्ड डिग्री, कहाँ से किया है आपने, किस यूनिवर्सिटी से किया है, एंड व्हाट डिसिप्लिन डिड यू फोकस ऑन। रिमेंबर, आप जो भी लिख रहे हो ना, आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। जो भी आप स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स प्लीज़ मत करिएगा। बहुत सारे ऐप हैं, वहाँ डाल के आप देख लेना, जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो आप करेक्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद व्हेन इज़ द अर्लीएस्ट दैट यू कैन ज्वाइन, आप कब ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन को। आप जब एक बार एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आपको बस फिर रिलैक्स होके बैठना है और अपना मेल चेक करते रहना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर बेटर होगा कि वहाँ पर आप इमीडिएट ज्वाइनर्स में डाल दें, ऐसा कुछ यहाँ पर दिया नहीं है। हाँ, लेकिन इसका लास्ट डेट ज़रूर है, आप 25 अगस्त के बाद इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 25 अगस्त से पहले पहले ही ये फॉर्म क्लोज़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाई डिमांड होने वाली है, एप्लीकेशन बहुत आएंगी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप टाइम से पहले अप्लाई कर दें, ठीक है। यस, तो यही था, मैं और कुछ चेक कर रही थी कि कुछ रह तो नहीं गया आपको बताने के लिए, कुछ नहीं रह गया है, यही था, सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कुछ और भी पूछना है इस जॉब के रिगार्डिंग जो मैंने शायद मिस कर दिया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद, उसके अलावा मिलेंगे हम नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।